गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम प्रोफेसर नरेंद्र पंडित एंड टुडे वी आर लुकिंग योर बॉटनी फॉर योर बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं जिम्नोस्पर्म्स, जो सेकंड चैप्टर है आपका सेकंड सेमेस्टर के लिए। देखते हैं जिम्नोस्पर्म्स क्या है, उसके बारे में जानते हैं, उसके बाद उसके जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं, उसके एक्सटर्नल फीचर्स, इंटरनल फीचर्स क्या है, उसके रिप्रोडक्शन उसका किस तरह से होता है और क्लासिफिकेशन उसका किस तरह से होता है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। स्टूडेंट, जनरली जिम्नोस्पर्म ये कहाँ से आया है? इट इज डिवीजन ऑफ स्पेर्मेटोफेटा। स्पेर्मा इट मीन्स सीड, पैथोन प्लांट। देखो, स्पेर्मेटोफेटा यानी हम पुष्पोद्विद हम उसको कहते हैं, इंक्लूड ऑल दिस प्लांट विच बियर सीड्स। देखो, ये स्पेर्मेटोफेटा, ये जो प्लांट होते हैं वो क्या है, सब सीड से उत्पन्न होते हैं, यानी सीड से ग्रोथ होते हैं, यानी सीड जब लगाएंगे हम तो ही वो ऊपर आते हैं, तो उसको स्पेर्मेटोफेटा प्लांट कहते हैं। तो इसका डिवीजन किस तरह से होता है? दे आर डिवाइडेड इनटू टू मेन सब डिविजन्स, नेमली द जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो स्पेर्मेटोफेटा ये दो इसमें डिवाइड होता है, एक तो कौन से इसमें, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म्स में, ये दो इसमें डिविजन्स होता है उसका। द नेम जिम्नोस्पर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स जिम्नोस। ये जो जिम्नोस्पर्म, ये जो वर्ड है वो किस में से, ग्रीक वर्ड में से आया है, जिसका हम भेद करते हैं जिम्नोस यानि नेकेड और स्पर्मा यानि सीड, नेकेड सीड। देखो, यानी सीड दो प्रकार के होते हैं। भगवान ने इस पृथ्वी पे जब प्लांट का वरदान दिया, प्लांट बनाने की उन्होंने जब ठान ली मन में, तो ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने दो तरह के बीज तैयार किए, एक नेकेड सीड वाले और दूसरा कवर्ड सीड वाले। यानी हम देखते हैं कि जब हम किसी भी पेड़ का या फिर प्लांट का जब सीड देखते हैं, तो कुछ ऐसे सीड हमें नज़र आते हैं कि जो नेकेड होते हैं, यानी उस पर कोई कवर नहीं होता, यानी वो डायरेक्ट, सपोज गेहूँ को क्या नहीं होता, कोई कवर नहीं होता, वो डायरेक्ट ही होता है। और मैंगो में क्या होता है, एक कवर होता है पर्टिकुलर, और उसके अंदर क्या होता है, वो सीड होता है। ओके, ऐसे बहुत सारे सीड्स होते हैं। नेकेड सीड यानी जिम्नोस्पर्म है, देखो जिम्नोस यानी नेकेड और स्पर्मा यानी सीड, जिम्नोस्पर्म यानी नेकेड, जो सीड्स पे कोई कवर नहीं होता, वो कौन से होते हैं सीड, जिम्नोस्पर्म। दे आर दस नेकेड सीडेड प्लांटेड प्लांट्स। जियोलॉजिकल हिस्ट्री शोड दैट द जिम्नोस्पर्म रिप्रेजेंट क्वाइट एन एंशियंट ग्रुप ऑफ प्लांट। तो जियोलॉजिकल की हम जब स्टडी करते हैं, तो हमें यह नज़र में आता है कि पहले पृथ्वी पे कौन से सीड आए होंगे, नेकेड सीड आए हैं, यानी जो कवर वाले सीड है वो बाद में आए हैं, पहले कौन से आए हैं, नेकेड सीड आए हैं। यानी जिम्नोस्पर्म क्या है, एंशियंट ग्रुप ऑफ प्लांट है, यानी जिम्नोस्पर्म क्या है, प्राचीन ग्रुप है, यानी एंजियोस्पर्म से पहले कौन से आए, जिम्नोस्पर्म आए। एंजियोस्पर्म जो सीड्स कवर्ड सीड होते हैं उसको हम एंजियोस्पर्म भी कह सकते हैं। ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेकेड सीड वाले जिम्नोस्पर्म्स होते हैं और कवर्ड सीड वाले कौन से होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं। द मेंबर्स ऑफ सेवरल प्रिमेटिव ग्रुप्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, देखो सिकाडो फिलिकल्स, बिनेटिक टेल्स, कार्डियटेल्स आर एक्सटिंक्ट टुडे एंड ओनली देयर प्रिजर्व रिमेन्स फॉसिल्स दे
आर नोन। देखो ये जो सीड्स है जिम्नोस्पर्म्स के, ये बहुत पुराने होने की वजह से इसके कुछ अवशेष ही कुछ बचे हैं, कुछ है सीड है प्लांट है, मगर कुछ प्लांट के इसके जो एंशियंट प्लांट है उसके सिर्फ अवशेष ही बचे हैं। अदर ग्रुप्स ऑफ लाइक सिकाडल्स, जिंकगोलस, कॉनिफरलस एंड जिनेटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बोथ लिविंग एंड फॉसिल मेंबर्स। देखो तो ये नाम जो है वो फॉसिल मेंबर्स है, लिविंग फॉसिल मेंबर्स है। दे आर अबाउट 70 जर्ना एंड 725 स्पेसिस ऑफ लिविंग जिम्नोस्पर्म डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये बहुत 725 उसके स्पेसिस है, यानी उसके बहुत सारे स्पेसिस है जो थ्रू आउट पूरे वर्ल्ड में उसके फैले हुए हैं। तो आइए हम उसके जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं, किस तरह से जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर्स होते हैं। तो इसमें एक्सटर्नल फीचर्स क्या है जनरल कैरेक्टर्स में, देखो पहले हम एक्सटर्नल फीचर्स देखते हैं कि उस प्लांट के किस तरह से उसके एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं। देखो जिम्नोस्पर्म्स आर वुडी प्लांट विथ ट्री लाइक और शॉबी हैबिट विथ एक्सोफिटिक एडेप्टेशंस, फ्यू आर क्लाइंबिंग, सम ऑफ देम आर डिसीडल्स वाइल अदर्स आर एवरग्रीन। देखो जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, वुडी प्लांट होते हैं, यानी वुडी प्लांट जिसका वुड हम यूज में ला सकते हैं। ओके तो उसमें फ्यू क्लाइंबिंग, कुछ उसमें क्या कुछ स्पेसिस कैसे है क्लाइंबिंग है, यानी जिसपे को हम बेल बोलते हैं, यानी कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि जिसके वो किसी पे झाड़ पे किसी पेड़ पे या फिर किसी दीवार पे लटके हुए हो रहते हैं। देखो तो उस तरह के बेल हम देखते हैं। और कुछ जो होते हैं डिसीडस यानी पतझड़ वृक्ष, यानी जिसके पत्ते झड़ते हैं फिर ऊपर से उसके पत्ते दूसरे पत्ते आते हैं, इस तरह का वो पतझड़ होते रहता है। और कुछ प्लांट ऐसे है कि एवरग्रीन है। देखो ये उसके एक्सटर्नल फीचर्स है किसके, जिम्नोस्पर्म के। तो सेकंड में देखते हैं कि द प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। देखो प्लांट की बॉडी किस तरह से स्पोरोफाइट है, इट इज डिफरेंशिएटेड इंटू रूट स्टीम एंड लीव्स। तो इसको जिम्नोस्पर्म के जो कुछ भी प्लांट्स होते हैं उसको हम तीन इसमें डिवाइडेड करते हैं, डिफरेंटाइज कर सकते हैं। उसके में क्या है, उसके रूट्स होते हैं, उसके स्टीम होते हैं और उसके लीव्स होते हैं। उसके बाद में हम देखते हमें पता चलता है कि प्रेजेंस ऑफ टॉप रूट सिस्टम इन सम केसेस रूट्स शोज सिम्बोसिस। देखो सम केसेस में रूट्स किस तरह से होते हैं, सहजीवी, सिम्बोसिस यानी सहजीवी यानी दूसरों पे आधारित होते हैं। सो विथ सर्टेन एल्गल सेल्स, एल्गल सेल्स यानी शैवाल, जिसे हम शैवाल जो पानी जहाँ पे ज़्यादा बहता है या फिर पानी जहाँ पे पानी का प्रेजेंस हमेशा रहता है वहाँ पे एक शैवाल नाम की एक वनस्पति आती है, वो भी जिम्नोस्पर्म में आती है। कोरोडेल्स रूट्स ऑफ सिकस और विथ फंगस, माइक्रोजिल्स रूट ऑफ पिनस। तो ये किसमें, जिम्नोस्पर्म में आते हैं। उसके बाद स्टीम्स आर इरेक्ट ब्रांचेस, और ब्रांचेस इज मोस्ट स्पेसिस ऑफ सिकस एंड वुडी प्रेजेंस ऑफ लीप स्क्रास ऑन द स्टीम्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। देखो तो लीप के निशान हमें प्रेजेंस, उसका प्रेजेंस हमें कुछ इसका पता चलता है कि ये जिम्नोस्पर्म के प्राचीन अवशेष रह चुके हैं। इन द लीव्स आर यूजुअली डायमॉर्फिक एंड फॉलिज, लीव्स आर ग्रीन। देखो इसके लीव्स किस तरह से होते, पत्ते फॉलिज पत्ते उसके किस तरह से होते कि आर ग्रीन, ग्रीन होते हैं सिंपल नीडल शेप एंड पिनेंटली कंपाउंड, वाइल द स्केल्सी लीव्स, स्केल्सी लीव्स यानी पपड़ीदार जो पत्ते होती है, आर यानी फॉलिज लीव्स यानी पत्ते जो होते हैं झुब्बेदार पत्ते जो होते हैं, और उसके बाद के कौन से स्केल्सी लीव्स आर यूजुअली मिनट एंड डिसीडस, यानी स्केल्सी लीव्स डिसीडस होते हैं यानी पतझड़ होने वाले पत्ते रहते हैं। देखो पतझड़ होने वाले पपड़ीदार पत्ते होते हैं जो पेड़ होता है प्लांट होता है उसके कुछ सीजन में क्या होते हैं वो पतझड़ होता है उसका। इन सम टेक्स्ट ऑफ इफेड्रा
ओनली स्केल्सी लीव्स आर प्रेजेंट। ओके, ये तो हुए उसके एक्सटर्नल यानी बाहर वाले उसके फीचर्स हो गए। अब हम देखते हैं उसके इंटरनल फीचर्स। रूट फोर्सेस डायरेक्ट टू पॉलिनर्ज वैस्कुलर सिलेंडर। देखो डबल जो रूट्स होते हैं उसके, स्टीम्स आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ कोलेट्रल एनरिच एंड ओपन वैस्कुलर बंडल अरेंज इन द रिंग। देखो, सो सेकेंडरी ग्रोथ इज वेल मार्क्ड विथ डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग। देखो एनुअल रिंग, रिंग की तरह होते हैं। द वुड में बी मोनोएक्सिलिक एंड फिलो फिकोनजिलिक होते हैं उसके वुड। उसके बाद द फॉलिंग लीव्स कवर्ड विथ थिक कटिकल यानी छल्लीदार उसके फॉलिंग लीव्स होते हैं, छल्लीदार होते हैं, थिक होते हैं। इट में एडिशनली कोटेड विथ वैक्सी लेयर यानी उसको एडिशनल कोटेड होता है, कोमल लचीला उसका कोट होता है यानी पत्ते जो होते हैं उसके उसके अंदर क्या होता है, एक छल्लीदार उसका कवर्ड होता है, उसको लचीदार वैक्सी लेयर होता है उस पर, छल्लीदार ये होता है और उस पर वैक्सी लेयर होता है। अगर हम पीपल का जो पत्ता है उसको अगर हम ऐसे ही रख देंगे तो क्या होता है, कुछ दिन के बाद उसमें सिर्फ उसका लेयर क्या, वैक्सी लेयर निकल जाएगा और वो नीचे क्या रहेगा, सिर्फ छल्लीदार रहेगा यानी कटिकल, थिक कटिकल प्रेजेंस रहेगा। देखो प्रेजेंस ऑफ सल्कन स्टोमेटा, देखो प्रेजेंस ऑफ सल्कन स्टोमेटा ये भी इसमें आता है। उसके बाद इसका रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, इन मोस्ट ऑफ लिविंग जिम्नोस्पर्म रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड अरेंजेड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पैक्ट कोन्स यानी इसके क्या कोन्स होते हैं यानी फूल जो हम जिसे कहते हैं कोन्स होते हैं। कोन्स में भी आइदर में बी मेल और फीमेल, कोन्स कैसे होते हैं, मेल होते हैं और फीमेल भी होते हैं उसमें। देखो बड़े जो कोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, फीमेल होते हैं और छोटे जो कोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेल होते हैं। माइक्रो यानी मेल, मेल ये नाम छोटा है इसलिए उसको माइक्रो कहा जाता है। फीमेल यानी मेगा यानी बड़ा, फीमेल में स्पेलिंग ज़्यादा बड़ी है, ये भी हम इसको ध्यान में रख सकते हैं। माइक्रो और मेगा स्पोरेंगिनेट जिसे हम कहेंगे, लार्ज दे आर बी बिस्पोरेंगिनेट रियरली होते बिस्पोरेंगिनेट। ओके, अगली बात हम इसमें जानते हैं, रिप्रोडक्शन में मेल कोन्स आर स्मॉलर देन फीमेल कोन्स एंड आर यूजुअली शॉर्ट लिव्ड। क्या होते हैं मेल जो कोन्स होते हैं क्या होते हैं, वो छोटे होते हैं फीमेल कोन्स से और वो भी उसका लिविंग पीरियड कितना होता है, शॉर्ट होता है यानी उसका जीवन काल बहुत कम होता है। फीमेल कोन्स का यूजुअली लॉन्ग लिव्ड होते हैं, ज़्यादा देर तक वो, ज़्यादा दिन तक वो क्या हो सकते हैं, वो लिविंग में रह सकते हैं यानी जिंदा रह सकते हैं। ओके, माइक्रोस्पेंगिया आर ब्रोन एंड लोअर सरफेस ऑफ माइक्रोस्पोंडियस। द प्लांट्स आर हेट्रोस्पोंडियस, दे बियर्स टू टाइप ऑफ स्पोर्स। हेट्रो पॉलिनेशंस इज यूजुअली एमेफोलियस, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस बाय द फ्यूजन्स ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लेई रेस्लिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ जिगोट। ओके, पॉलिम बोरियल्स इज नो ऑफ द कॉमन ऑकरेंस, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ सेवरल एम्ब्रॉयस इन वन सीड आउट ऑफ विच ओनली वन सर्वाइव्स। देखो एक सीड में कितना सर्वाइव्स होता है, एक ही सर्वाइव्स होता है। द नेक्ड ओल्वस डेवलप इंटू सीड एंड ओल्कर इंट्रीगमेट फ्रॉम द सीड्स कोट। देखो कोटेलेडन्स मे बी वन और टू साइकस, फॉर एग्जाम्पल साइकस और द होर ऑफ मेनी पिनस। सीड्स में अंडरग्रो डोमेसी एंड डॉर्मेसी एंड समटाइम्स और मे बी जर्मिनेट इमिडिएटली विदाउट अंडरगोइंग पीरियड ऑफ रेस्ट। ओके,
So and lastly we can see the external features reproduction of there is a distinct alternation of generations. इसके generations alternating होते हैं. देखो और इसका classification किस तरह से होता है. It is means subject few general several generals it order to plant it is divided divisions क्या होता है. सिकाडो फेटिया मैक्सिकलिन वुड ब्रांचेस एंड फ्लोरी ब्रांचेस ट्रंक लीव्स लार्ज एंड पिनाइट. क्लास वन में पेट्रियडोस मिशिया फॉसिल्स प्लांट्स होते हैं. उसमें डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स उसके क्या है. एक्सक्लूसिवली फॉसिल्स आर मैड्रेट साइज प्लांट विथ अ स्लेंडर स्टीम्स फाउंड लाइक अ लूज ब्रिंग स्कैटर स्पोंगाया ओके इन ऑर्डर टू दैट वी कैन से दैट क्लास टू सिकाडोफिजिया डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स क्या है उसके. उसके बाद इस तरह से उसका क्लासिफिकेशन होता है. ओके तो जिम्नोस्पर्म्स जनरली क्या होते हैं. नेकेड सीड वाले जो प्लांट होते हैं उसको हम जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं और जो सीड्स कवर्ड होते हैं उसको हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं. तो उसके हमने इस वीडियो में जनरल फीचर्स देखे, एक्सटर्नल फीचर्स, इंटरनल फीचर्स और रिप्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन देखा है. थैंक यू very much.